नमस्कार दोस्तों, सीसी केस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक विशेष श्रृंखला हमने आप सभी के लिए शुरू की हुई है। ये श्रृंखला है कहानीकार बच्चन। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने आपके लिए बहुत से लेक्चर्स आयोजित किए हैं और बच्चन साहब की बहुत सारी कहानियों पर हमने प्रकाश डालने की कोशिश की है, उनके बारे में चर्चा करने की कोशिश की है। हमने अभी तक लगभग 10 कहानियों पर चर्चा की, जैसे कि माता और मातृभूमि, हृदय की आँखें, संकोच त्याग, अंचल का बंदी और अन्य कहानियाँ जो आप जानते हैं, जो आपने पिछले लेक्चर्स के माध्यम से सुनी होंगी, समझी होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप उनको दोहराने में और उन लेक्चर्स को देखने में प्रयासरत रहे होंगे। तो मित्रों, हम आज फिर से जो हमारी बची हुई कहानियाँ हैं उन पर विशेष चर्चा करेंगे और आपको बताना चाहूँगी, पिछले सेशन में हमने कहानी स्वार्थ पर अपना लेक्चर समापन किया था, तो आज फिर से हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे स्वार्थ कहानी से ही। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और कहानी स्वार्थ से आज के सेशन को शुरू करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो अन्य बची हुई कहानियां, यानी कि 3 कहानियां हैं, उन पर चर्चा करेंगे और एक बार कोशिश करेंगे कि सभी कहानियों को एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा और जानने और समझने की कोशिश करें डॉक्टर रुचिरा ढींगरा के माध्यम से। तो डॉक्टर रुचिरा ढींगरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मित्रों, पिछली बार हमने बच्चन की स्वार्थ कहानी से अपने व्याख्यान का समापन किया था। एक विहंगम दृष्टि डालते हैं इस कहानी के ऊपर। स्वार्थ कहानी में 3 पात्र हैं, मोहन सिंह, मनकी और ननकू। तमोली जो है वो अंधा है और वो अपनी स्वार्थ वृत्ति के कारण अपनी पुत्री का विवाह कहीं करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसकी पुत्री मनकी आजीवन उसके लिए काम करे, उसकी दुकान संभाले, उसकी दिनचर्या में जो उसको कठिनाइयाँ होती हैं उनका ध्यान रखे। मनकी मोहन सिंह के प्रेम में निबद्ध है, उससे प्रेम करती है और चाहती है कि वो उसके साथ शादी कर ले, पर तमोली ये नहीं चाहता। और मनकी अपने पिता का की देखभाल करने के लिए आजीवन उसके साथ रहने का निश्चय करती है। मोहन सिंह उसको अपने प्रेम में आकर्षित करता है और उसको अपने साथ प्रयाग भाग चलने के लिए विवश करता है। जब वो वहाँ जाती है वो इस वेदना से ग्रसित रहती है कि मेरा पिता क्या कर रहा होगा, कैसे अपने जीवन का यापन कर रहा होगा, और वो इसी दुविधा में, इसी दुख में कष्टपूर्ण जीवन जीने लगती है। पति से आग्रह करती है, पति उसको पिता से मिलाने के लिए लेकर आता है और वहाँ वह देखती है कि उसका पिता अपनी नई पत्नी के साथ अपना जीवन सुखपूर्ण बिता रहा है। यहाँ लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है कि हम हर जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से स्वार्थ के कारण जुड़ा हुआ है और यही स्वार्थ जो है हमें रिश्तों में बांधे हुए है। आज हम जिन कहानियों पर चर्चा करेंगे उनमें उरिन कहानी सबसे प्रमुख है। उरिन कहानी घरेलू नौकर दक्खू और लल्ली की कहानी है। दक्खू और राम नारायण के घर में कन्या का जो आगमन है वो एक ही दिन होता है। दक्खू कन्या के साथ अपना जीवन यापन करने की समझ रखता है या वो उसको कहता है कि मैं इस बच्ची का लालन पालन करूँगा। कहीं कहीं आलोचकों ने यह माना है कि दक्खू जो है वो बच्चन की माता के घर का नौकर था और जो यहाँ पे लल्ली नाम की पात्रा हैं वो बच्चन की माता थी। दक्खू लल्ली को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और जब लल्ली का विवाह होने लगता है तो वो अपने मालिक से ये अनुरोध करता है कि मैंने 15 वर्षों तक लल्ली का पालन पोषण किया और इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं विवाह के उपरांत लल्ली के साथ उसके ससुराल जाऊँ। उसका ये अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है। वह कहता है, सरकार मैं चाहता हूँ बिटिया के साथ चलूँ, 15 बरस से मैंने उसकी खिदमत की है, चाहता हूँ उसी की खिदमत में उम्र बीते, 60 बरस का हूँ, एक रोटी खाऊँगा, अपना दरवाज़ा ताकूँगा, जो कुछ छोटा मोटा काम धंधा कर सकूँगा वो कर पाऊँगा। दक्खू लल्ली के बच्चों को भी पालता है और इस प्रकार से ना केवल लल्ली का प्रेम प्राप्त करता है अपितु लल्ली के साथ साथ उसके बच्चों का नाना बनकर, जो नाना का एक सुख है कि हम अपने बच्चों के बच्चों को देख रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, वो सुख का भी अनुभव करता है।
धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। लल्ली भी दक्खू को उतना ही प्रेम उतना ही आदर देती है जितना कोई अपने अभिभावक को देता है। अपने बच्चों के रुग्ण होने पर या छोटी छोटी समस्याएं आने पर वो दक्खू से अनुरोध करती है कि वो सुझाव दे और दक्खू भी बड़े बूढ़ों की तरह उसे सुझाव देता है और वो सुझाव मान लिए जाते हैं। दक्खू उसे अपनी पुत्री की तरह मानता है और लल्ली उसे अपने पिता के सदृश आदर देती है। वृद्धावस्था में रुग्ण होने पर लल्ली के जो पति हैं वो चाहते हैं कि दक्खू उनका परिवार छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास चला जाए, पर दक्खू इस बात को नहीं स्वीकार करता। वो चाहता है कि जिस प्रकार से उसने अपना अब तक का जीवन लल्ली के साथ गुजारा, लल्ली के पालन पोषण में गुजारा, लल्ली के बच्चों की देखरेख करने में गुजारा, उसी तरह से वो अपना जीवन का अंत जो है वो भी लल्ली के परिवार के साथ ही गुजारे। वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु भी इसी घर में हो जिस घर में मैं अब तक रहा। मृत्यु से पूर्व वह अपने द्वारा जमा की गई समस्त 800 रुपये की पूंजी और संस्कार के लिए 100 रुपये अलग से लल्ली को देता है और चाहता है कि लल्ली उसका संस्कार भी करे। लल्ली भी अपने पिता के ऋण से उऋण होने के लिए उसी तरह से उनका संस्कार भी करती है। लल्ली ने तुलसी सोना गंगा जल आकू के मुंह में डाला और इस प्रकार से जब उसने देखा कि अब उसका आकू इस संसार को विदा करने के लिए अंतिम सांसें ले रहा है तो वो चिल्ला पड़ी, आकू मैं अब तुमसे उऋण हो गई, यदि मैं तुम्हारी अंतिम सेवा ना कर पाती तो जन्म भर तुम्हारे ऋण से दबी रहती, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। कहानी इस प्रकार से प्रेमचंद के आदर्श को स्थापित करती हुई अपने अंत को प्राप्त करती है। कहानी राम नारायण जी के घर कन्या के जन्म और उनके सेवक के रूप में दक्खू के आगमन के वर्णन के साथ शुरू होती है। विकास, लल्ली के विवाह, विवाह के पश्चात दक्खू का उसके परिवार में उसके साथ चले जाना, लल्ली के बच्चों का जन्म होना, दक्खू का इस बात पे अनुरोध करना कि वो वहीं पे रहेगा, पति के द्वारा उस चीज़ को इनकार करना पर बाद में लल्ली द्वारा समझाने पर अनुरोध करने पर मान जाना और दक्खू का अंतिम आकांक्षा कि लल्ली उसका अंतिम संस्कार करे मानना और लल्ली का अंतिम संस्कार करना चरम सीमा को प्राप्त करता है। कहानी चरम सीमा पर दक्खू के मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाती है और अपना एक सघन प्रभाव पाठकों के ऊपर छोड़ती है। अंतिम पंक्ति दोनों बहुत ही मार्मिक है। लेखक कहता है दोनों परस्पर ऋणी थे, दोनों एक दूसरे से उऋण हो गए, यही उऋणता कहानी का शीर्षक बनती है। कहानी का शीर्षक पाठकों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न करता है किसने किससे ऋण लिया, क्यों लिया, कितना ऋण लिया, कब वापस किया, किस प्रकार से वापस किया और ये जो उसकी जो उसके मन में ये ऊहापोह है इस ऋण के विषय में वो कहानी के अंत में आकर उसे इसका समाधान मिलता है कि आजीवन लल्ली को पालने का ऋण जो है वो दक्खू उसका निर्वाह करता है और दक्खू क्या अंतिम संस्कार करके उसके ऋण से लल्ली उऋण हो जाती हैं। दक्खू और लल्ली ही समस्त कथा के केंद्र बिंदु हैं। राम नारायण जी केवल उल्लेखित पात्र हैं, बच्चे और पति भी उल्लेखित पात्र हैं और पूरी की पूरी कहानी दक्खू और लल्ली के चारों तरफ घूमती है। विधुर और संतानहीन दक्खू ईमानदार है, सीधा है, कर्तव्य निष्ठ है और पूरी निष्ठा के साथ अपना पूरा जीवन लल्ली और उसके परिवार के लिए समर्पित कर देता है और ये हमें इस बात की ओर भी संकेत करता है कि हमारे पुराने घरों में जहाँ पे पुराने रीति रिवाज पुराने संस्कार आज भी जीवित हैं वहाँ सेवक सेविकाएं या जो हमारे अधीन काम करते हैं उन लोगों को हम कितना आदर देते हैं। लल्ली भी दक्खू को केवल नौकर नहीं समझती, सेवक नहीं समझती, वो उसे पिता की तरह आदर देती है, पिता की तरह उसका ध्यान रखती है, रुग्ण होने पर उसकी सेवा करती है
और अपना कर्तव्य मानकर उसका संस्कार भी करती है। संवाद बहुत ही संक्षिप्त हैं, कम हैं, पात्रों और परिस्थितियों के अनुकूल हैं और पूरी की पूरी जो भावाभिव्यक्ति है वो संवादों के माध्यम से हुई है। कथा विकास और चरित्र उद्घाटन में भी ये संवाद जो हैं वो सहायक सिद्ध हुए हैं। भाषा सहज सरल प्रवाहयुक्त है। बच्चन ने बहुत ही सीधी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। कहानी बहुत छोटी सी बात को लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है कि एक सेवक है जो अपना पूरा जीवन अपने मालिक की सेवा में समर्पित कर देता है, पर इस छोटी सी बात को इतनी खूबसूरती से बच्चन ने उभारा है कि पाठक इस कहानी को आद्यंत पढ़ने के लिए बाध्य हो जाता है। बच्चन कहीं पर भी अपने आप को भाषा के नियमों से बांध कर नहीं चले हैं। अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए उन्हें भाषा के जिस माध्यम का, या आप ये कहिए कि उर्दू, हिंदी, फारसी, अंग्रेज़ी, जहाँ से भी उन्हें उन शब्दों को मिला, वो शब्द उन्होंने चयन किए और अपनी कहानी में उनका प्रयोग किया है। उर्दू शब्दों में इनकार, वफादार, हुकुम, ख्वाहिश, बख्शीश, कफन, मोहब्बत आदि शब्दों को लिया जा सकता है। मुहावरे और लोकोक्तियों, सूक्तियों के प्रयोग में बच्चन सिद्धस्थ हैं। मुहावरों में गदगद होना, सत्याग्रह करना, गुलामी चाहना, सूक्ति वाक्यों में लड़की के ब्याह की फिक्र माँ बाप को उसके धरती पर गिरने के दिन से ही लग जाती है। स्त्री जब तक अपना अधिकार नहीं जमाती तभी तक कमजोर रहती है आदि ने भाषा को ना केवल गरिमा प्रदान की है अपितु एक प्रवाह भी दिया है। प्रेम समर्पण की महत्ता दर्शाना वस्तुतः कहानीकार का उद्देश्य है। प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही नहीं होता जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। केवल प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, माता पिता के मध्य ही प्रेम नहीं होता, एक सेवक और उसके मालिक के मध्य भी इस प्रकार का प्रेम हो सकता है जो आद्यंत चलता है, जो जीवन पर्यंत हमारे सामने रहता है। रचना तंत्र की दृष्टि से ये कहानी थोड़ी सी शिथिल है। कहीं कहीं हमें समझ में नहीं आता कि बच्चन क्या कहना चाहते हैं, पर फिर भी ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित होने के कारण निश्चित रूप से पाठकों के ऊपर अपना अमिट प्रभाव छोड़ती है। बच्चन की अन्य कहानी है चुन्नी मुन्नी। चुन्नी मुन्नी बहुत छोटी कहानी है। 1932 तक लघु कहानी का स्वरूप पूरी तरह से उभर कर सामने नहीं आया था और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चन द्वारा लिखी गई ये कहानी चुन्नी मुन्नी शायद लघु कथा का प्रारंभ मानी जा सकती है। एक वर्ष छोटी बड़ी दो बहनों की ये कहानी है। 12-13 पंक्तियों में लिखी गई छोटी सी कहानी है जिसमें चुन्नी मुन्नी दो बहनें हैं। ये कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और ये कहानी इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाल मनोविज्ञान को हमारे सामने उपस्थित करती है। चुन्नी मुन्नी दो बहनें हैं। चुन्नी कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाती, खिन है। मुन्नी परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण है, खुश है और माँ दोनों बहनों को लेकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए जाती है। चुन्नी खिन है कि वो कैसे प्रसाद चढ़ाए, वो तो परीक्षा में पास नहीं हुई, और मुन्नी इस बात पे खुश है कि वो चुन्नी को थोड़ी देर के लिए ही सही नीचा दिखा पा रही है। वो खुशी खुशी प्रसाद लेकर भगवान के समीप जाती है। माता चुन्नी को उदास देखकर ये कहती है कि नहीं, तुम भी प्रसाद चढ़ाओ, और उसे भी प्रसाद लेकर देती है। माता द्वारा चुन्नी को प्रसाद लेकर देना और भगवान को समर्पित कराना मुन्नी को खिन कर देता है और उसे लगता है कि मेरी सफलता बेमानी हो गई है, अगर चुन्नी भी प्रसाद चढ़ाएगी तो मेरे उत्तीर्ण होने का क्या फ़ायदा। बच्चों के मनोभाव माता का मनोरंजन करते हैं, किंतु भगवान दोनों का प्रसाद समान रूप से समदृष्टि से ग्रहण करने के लिए विवश हैं। डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी का
इस संदर्भ में अभिमत है। कहानीकार ने श्रद्धा के स्वाभाविक सहज भाव को, बड़प्पन के अहम ईशा भाव को, माँ संतान के सहज स्नेह हर्ष को और देवत्व की रूढ़िवादिता पर व्यंग को अत्यधिक तीव्रता से सार्थक कर दिया है। कथा संक्षिप्त है किंतु गूढ़ अर्थवत्ता से युक्त है। कहानीकार ने जिस ध्वनि शक्ति के माध्यम से पात्रों के अंतर्द्वंद्वों को, आस्था को व्यक्त किया है, उसकी चरम परिणति उनके काव्य में हमें दिखाई देती है। रचना तंत्र की दृष्टि से ये जो कविता, ये जो कहानी है, ये नवीन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लघु कहानी का हमें आरंभ इस कहानी में नज़र आता है और इसीलिए शायद सरस्वती जैसी पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई। बच्चन की अंतिम कहानी हमें निशा निमंत्रण, जो उनका काव्य संग्रह है, उसके प्रारंभ में उन्होंने इस कहानी को दिया है और इसका शीर्षक भी उन्होंने एक कहानी दिया है। ये कहानी मनुष्य की आस्था, देवताओं और किस प्रकार से मनुष्य देवताओं को स्वर्ग से धरती पर बुलाता है, अर्चना करता है, और किस प्रकार से देवता उसकी अर्चना से, उसके समर्पण से विवश हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और दोबारा स्वर्ग में चले जाते हैं, इस पूरी की पूरी कथा को इस कहानी में लेखक ने बताने का प्रयास किया है। कथा वस्तु मानवीय आस्था और पूजा पर आधारित है, तथापि विवेचन के अंत में ये पृथक रूप से इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे पूर्व बच्चन जो हैं वो इस बात के लिए दुविधाग्रस्त थे कि वो कहानियाँ लिखें या कहानियों को लिखना छोड़कर वो कवि रूप को हमेशा के लिए अपना लें। वो अपने कहानीकार रूप के लिए स्वयं भी बहुत अधिक आश्वस्त नहीं थे। परंपरागत पूजा अर्चना से उबे हुए लोगों ने स्वर्ग से ये अनुरोध किया कि अब वो सूरज की, पर्वत की, नदियों की अर्चना पूजा करना नहीं चाहते और इसलिए वो चाहते हैं कि स्वर्ग से कोई देवता ज़मीन पर उतरकर आए और वो साक्षात रूप में उस देवता की अर्चना करें। अपने भावों को इतनी तीव्रता के साथ उन्होंने स्वर्ग के सामने रखा कि स्वर्ग उनकी बात को मानने के लिए विवश हो गया। स्वर्ग ने एक देवता ज़मीन पर भेजा, पुजारी को पूरे के पूरे निर्देश दिए गए और उस निर्देश के अनुसार मंदिर तैयार किया गया, पूजा अर्चना के सारे सामग्री तैयार की गई और एक नियत समय पर देवता जो हैं वो धरती पर अवतरित हुए। बहुत सुंदर, और उनकी सुंदरता को देखकर पुजारी इतना मोहित हो गया, उन्हें देखता रह गया कि वो मंदिर के कपाट खोलना ही भूल गया। मंदिर के बाहर हजारों की संख्या में जो भक्त थे वो देवता के दर्शन करने के लिए व्याकुल थे और इसी व्याकुलता के कारण, इसी अकुलाहट के कारण उन्होंने मंदिर का किवाड़ खोल दिया, तोड़ दिया और सारे के सारे अपनी भावनाओं को अर्पित करने के लिए देवता के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। कुछ समय तक तो देवता ने उनकी पूजा को माना, स्वीकार किया, पर फिर उनके बोध से वो इस प्रकार से दब गए कि जब सुबह देखा गया तो वो उन पुष्पों के नीचे दबे हुए पड़े थे। भक्त खिन हुए, दुखी हुए, अपने आचरण के प्रति उन्होंने क्षमा भी मांगी और दोबारा से उन्होंने स्वर्ग से ये विनती की कि अब दोबारा से हमारे लिए एक देवता को धरती पर भेजा जाए। उनके अनुरोध को स्वर्ग ने अनसुना कर दिया, पर जो भक्त थे वो अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, उनका जो अनुरोध था वो अपनी जगह दृढ़ था और वो स्वत्व की मांग को लेकर बहुत अनुरोध के साथ बार बार स्वर्ग से ये याचना करने लगे कि हमें पूजा करने का अधिकार है और इसलिए देवता को उसके लिए धरती पर भेजा जाए। किंतु देवता जो थे वो मानव की पूजा से भयभीत थे,
कोई भी देवता धरती पर आना नहीं चाहता था। सूरज को इस बात का भय था कि अगर मैं धरती पर आया तो जो भक्त हैं वो इतना अधिक शीतल जल मेरे ऊपर डालेंगे कि मेरी जितनी भी गर्माहट है वो सारी की सारी शीतल हो जाएगी। और इसलिए स्वर्ग ने पृथ्वी पर शिलाखंड फेंकने शुरू किए और मानव से ये अनुरोध किया कि वो उन शिलाखंडों को ही देवता मानकर उनकी पूजा करें। और शायद तब से मंदिरों में जो देवता हैं वो पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं। स्वर्ग का कहना था, तेरी पूजा देवताओं को अस्वीकृत नहीं असह्य है। तेरा एक पुष्प जब तेरे आत्मसमर्पण की भावना को लेकर देवता पर चढ़ता है तो उसका भार समस्त ब्रह्मांड के भार को हल्का कर देता है। तेरा एक बूंद जल जब तेरे विगलित हृदय के अश्रुओं का प्रतीक बनकर देवता को अर्पित होता है तब सागर अपनी लघुता पर हाहाकार कर उठता है। छोटे देवों ने मुझसे क्या कहा उसे क्या बताऊं। देवताओं में सबसे अधिक तेजपुंज सूर्य ने कहा था, मनुष्य पृथ्वी से मुझे जल चढ़ाता है, मुझे भय है किसी ना किसी दिन मैं अवश्य ठंडा पड़ जाऊंगा और मनुष्य किसी अन्य सूर्य की खोज कर लेगा। हे विशाल मानव, तेरी पूजा को सह सकने की शक्ति केवल इन पाषाणों में ही रह गई है। यह कहानी छोटी है किंतु अपनी दृष्टि से ये कहानी महत्वपूर्ण भी है। भाषा काव्यात्मक चित्रात्मक बिंबों और प्रतीकों से युक्त ये कहानी छायावादी अस्पष्टता से युक्त हमें दिखाई देती है। लेखक का मंतव्य भी कहीं कहीं अस्पष्ट है। वो क्या कहना चाहता है? वो मनुष्य की भावना को व्यक्त करना चाहता है? वो देवताओं के डर को बताना चाहता है? या वो ये बताना चाहता है कि मनुष्य की जो आस्था है वो इतनी सघन है, इतनी अधिक है कि उसके आगे देवता भी भयभीत हो जाते हैं। डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी ने इसका संबंध कहीं ना कहीं बच्चन के दिल्ली के आवास जो सोपान है उनके बाहर जो उन्होंने पत्थरों की कलाकृतियां इकट्ठी की थीं उनसे जोड़ा है। उनका कहना है, बाहर कितने सारे पत्थरों से घिरा वह बंगला और वे पत्थर कैसी कैसी भाव मुद्राओं में गेट से घुसते ही घेरते शायद घूरते भी थे। उन्हें देखकर प्रतिक्रिया होती थी कि ये मानव की पूजा की भावना के प्रतीक हैं और यथार्थ में उसके चरित्र की विषमता विशेषता मौन आदि को व्यक्त करते हैं। विचित्रता की पूजा को सह लेने की उसे बिना कहे भी कह देने की मौन क्षमता शायद इन्हीं पत्थरों में है। बच्चन की आत्मकथा के दूसरे भाग नीड का निर्माण फिर में पत्थरों को एकत्र कर उनमें विभिन्न आकृतियों को ढूंढने का जो प्रयास बच्चन करते रहे हैं उसका भी हमें कहीं ना कहीं संकेत इस कहानी के माध्यम से मिलता है। वैसे भी अगर हम देखें तो सड़क पर पड़े हुए पत्थरों को अगर हम गौर से देखते हैं तो हम अपनी कल्पना के माध्यम से उनमें बहुत सारी आकृतियां निकाल लेते हैं। और जो लोग मूर्ति तलाशते हैं वो तो शायद उन पत्थरों में से पता नहीं कौन कौन सी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। इस विवेचन के आधार पर हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि यद्यपि संख्या की दृष्टि से बच्चन की कहानियाँ कम हैं, मात्र 13 कहानियाँ हैं, किंतु फिर भी यदि हम देखें तो उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र से कहानियों के विषयों को लिया है, उन्हें अपनी कल्पनाओं से सजोया है और अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इन कहानियों में हमने ये भी देखा कि रचना की दृष्टि से यदि माता और मातृभूमि उरिन कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं तो चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना को छोड़कर अन कहानियों के शीर्षक संक्षिप्त मार्मिक कहानी की मूल संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। केवल यही कहानी चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना इसका शीर्षक ही कदाचित लंबा है।
किंतु लंबा होने पर भी ये कहानी की मूल संवेदना को सांकेतिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जब हमने इस कहानी का विवेचन किया था तब हमने इस बात को जाना था कि इस कहानी में चिड़िया जो है वो जैकब और रूबिया हैं और लड़कों का खिलौना वो खेल था जब उन्होंने जैकब के पत्रों को छुपा लिया था और उसकी लिखावट में एक गलत जो पत्र था वो रूबिया तक संप्रेषित किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे अब प्रेम नहीं करता। और इस बात को पढ़कर रूबिया इतनी असंतुष्ट हो गई थी, इतनी क्रोधित हो गई थी, इतनी दुखी हो गई थी कि उन्होंने आत्मघात कर लिया था। उनके आत्मघात की सूचना पाकर जैकब भी आत्मघात कर लेता है और इस प्रकार से उन बच्चों के खेल के कारण दो व्यक्तियों की जान चली जाती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई शिकारी केवल अपने मनोरंजन के लिए निरीह पक्षी का शिकार करता है और खुश होता है कि उसने चिड़ियों को मार दिया, उसी तरह से इन बच्चों के शगल में, इस बच्चों के खेल में दो प्राणियों की जान चली जाती है। प्रायः सभी कहानियाँ प्रारंभ में प्रेमचंद के ढंग से पात्रों का, परिवेश का परिचय देती हैं और विकास जो है वो विभिन्न घटनाओं के माध्यम से होता है। चरम सीमा को प्राप्त करके सामान्यतः इनकी कहानियाँ समाप्त हो जाती हैं, किंतु कुछ एक कहानियाँ हैं जैसे धर्म की परीक्षा, ठाकुर जी, जो चरम सीमा के पश्चात भी आगे खींचती हैं। किंतु यहाँ पर भी बच्चन का एक उद्देश्य है इन कहानियों को आगे खींचने का। जैसे धर्म की परीक्षा में वो ये बताना चाहते हैं कि जो पात्र है, जो नायक है, वो किस प्रकार से धर्म के कारण अपने जीवन की जो पूंजी है, जो उसने पूरे महीने उसने जो कमाया था, उसको वो एक गाय खरीदने के लिए दे देता है अहीर को, और अहीर का हृदय परिवर्तन होता है। वो ये मानता है कि जो वो अब तक कर रहा था वो अनुचित था और वो किस प्रकार से गाय के गले में 10 रुपये बांध देता है और वो ये पर्ची पर लिख देता है कि अब हर महीने मैं इसके पास कुछ पैसे छोड़ जाऊंगा जिससे आप इसका पोषण कर सकें। और बाद में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो ग्वाला था वो कृष्ण था, जो नायक की या जो पंडित है उसकी परीक्षा लेने के लिए आया था कि वो धर्म को कितनी शिद्दत के साथ स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी कहानी में जो माता हैं उनका ठाकुर के प्रति आस्था जो है वो हमें दिखाई देती है कि किस प्रकार से जो उसका पुत्र है वो सनातन धर्म को स्वीकार करने के कारण अपनी माता के साथ, जब तक वो सनातन धर्म को स्वीकार करता था तब तक वो ठाकुर जी की पूजा करता था, तब तक उसको ठाकुर जी की पूजा करने में किसी भी प्रकार का कोई भी उसको विरोध नहीं था और वो सामान्य रूप से जैसे परिवार में ठाकुर की पूजा होती है वो करता था। किंतु आर्य समाज से जब वो प्रेरित हुआ तो उसे सब चीज़ों में बुराई नज़र आने लगी। वो ठाकुर को उठाकर छप्पर पर रख देता है, माता को झुंझलाता है, माता को कहता है कि क्या मतलब आप ऐसे ठाकुर की पूजा कर रही हैं जो स्वयं उठकर नीचे भी नहीं आ सकते, और अंत में जाकर ठाकुर जी को गंगा में डुबा आता है। माता की आस्था ठाकुर जी के साथ इतनी है कि वो खुद गंगा जी में जाकर उनको निकालने का प्रयास करती हैं, असफल होती हैं और इसी उसमें उनकी मनोदेश दशा जो है वो विक्षिप्त हो जाती है और वो पागलों की तरह से नाचने लगती हैं, गाने लगती हैं और अंत में अपने प्राणों को त्याग देती हैं। यहाँ पर पुत्र का हृदय परिवर्तन होता है और वो दोबारा से सनातन धर्म को स्वीकार कर लेता है। पात्र विशेष में अपेक्षित हृदय परिवर्तन दिखाने के लिए ही मानो बच्चन जी ने इन कहानियों में चरम सीमा के पश्चात भी इन कहानियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसी कहानियाँ हमें बरबस घसीटी हुई लगती हैं क्योंकि सामान्य रूप से चरम सीमा उस बिंदु को कहते हैं जहाँ आकर कहानी को समाप्त हो जाना चाहिए। इनकी कहानियाँ स्वदेशी हैं किंतु चुन्नी मुन्नी और एक कहानियों में लेखक का मंतव्य
केवल बाल मनोविज्ञान को दिखाना और मानव की आस्था को दिखाना ही हमें दिखाई देता है। बच्चन अपनी कहानियों में कम पात्रों को लेकर रचना लिखने के लिए विख्यात हैं। उनके पात्र बहुत सीमित हैं और पूरी कथा बिंदु जो है वो उन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। चरित्रांगन के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष शैलियों का उन्होंने प्रयोग किया है। पात्रों की भांति उनके संवाद भी बहुत कम, संक्षिप्त और ऐसे शब्दों को लेकर उन्होंने अपने संवाद लिखे हैं जो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको उतनी ही रुचि के साथ पढ़ सकता है या सुन सकता है। धर्म की परीक्षा जो कहानी है उसमें ब्राह्मण का प्रवचन किंचित लंबा जरूर है। कहानियों की भाषा सहज, सरल, प्रवाहयुक्त है। इन कहानियों में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अर्थात जिन शब्दों को लेकर भी बच्चन को ये लगा कि वो अपनी भावाभिव्यक्ति कर सकते हैं, उन्होंने निसंकोच रूप से उन शब्दों को ग्रहण किया है। चिड़ियों की जान जाए, लड़कों का खिलौना कहानी में जो पत्र उद्धृत हैं वो कदाचित लंबे हैं, और क्यों उसका लेखक ने वहाँ पर उपयोग किया है या इतने लंबे लंबे पत्र क्यों उन्होंने लिखे हैं ये पाठक की समझ से बाहर है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग में कहानीकार सिद्धस्त हैं। किस प्रकार से सूक्ति के माध्यम से वो अपनी बात करते हैं इस बात को देखकर पाठक चकित रह जाता है। उनकी कहानियों में शैलीगत वैविध्य भी हमें दिखाई देता है। वर्णात्मक, भावात्मक, नाटकीय उद्धरण पत्र शैली के साथ ही खिलौने वाला और दुखनी कहानियों में लेखक ने प्रथम पुरुष शैली का उपयोग किया है। समाहर्ता हम ये कह सकते हैं कि बच्चन की कहानियाँ उनके भावी कवि और आत्मकथाकार रूप को हमारे सामने लेकर आती हैं। वे चाहे परंपरागत जो कहानी के मूल्य हैं, कहानी के तत्व हैं, उन पर खरी नहीं उतरती, किंतु फिर भी अगर हम देखें कि कहानीकार स्वयं भी अपने कहानीकार रूप के प्रति आश्वस्त नहीं था, वो कहानी लिखने का प्रयास कर रहा था, इस दृष्टि से अगर हम उन कहानियों का विवेचन करते हैं तो हम इस बात को निश्चित रूप से मानेंगे कि उनकी कहानियाँ चाहे कोई मील का पत्थर साबित नहीं होती, चाहे कोई हमारे सामने रेखांकित करने योग्य कोई बात हमारे सामने नहीं रखती हैं, किंतु फिर भी अपनी दृष्टि से वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ज़रूर हैं। एक विहंगम हम दृष्टि डालते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से कहानीकार ने विभिन्न क्षेत्रों से अपनी कहानियों को लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रेमपरक कहानियों में माता और मातृभूमि, प्रेमपरक कहानियों में हृदय की आँखें, संकोच त्याग, अंचल का बंदी, चिड़ियों की जान जाए, लड़कों का खिलौना कहानियों को लिया। धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों को रेखांकित करती हुई उनकी कहानियां हैं धर्म परीक्षा, ठाकुर जी। आत्मपरक उनकी कहानियों में हम दुखनी और खिलौने वाली कहानियों को ले सकते हैं। सामाजिक भावपूर्ण कहानियों में स्वार्थ, उऋण, चुन्नी मुन्नी कहानी है, और उनकी अंतिम कहानी जो निशा निमंत्रण उनके काव्य संग्रह के प्रारंभ में दी गई है वो है एक कहानी। मात्रा में कम होने के बावजूद अपने समय में बच्चन की कहानियों का स्वागत हुआ था, और ये बात इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय है क्योंकि हंस, माधुरी, सरस्वती, माया आदि पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर ये कहानियाँ प्रकाशित होती रहीं और पाठकों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करती रहीं। और कथा सम्राट प्रेमचंद की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो उन्होंने भी बच्चन में एक कहानीकार के रूप को रेखांकित किया था। उन्होंने माना था कि बच्चन अगर चाहें और इसी प्रकार की अगर कहानियां लिखते जाएं तो शायद एक दिन वो कहानीकार के रूप में भी हमारे सामने पूरी तरह से उपस्थित होंगे। किंतु फिर भी
बच्चन जैसे मानते थे कि जब हंस में उनकी पहली कहानी हृदय की आंखें प्रकाशित हुई तो वो इस बात के लिए पूरी तरह से चकित रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात को मानने में थोड़ा सा समय लगा कि हंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में उनकी कहानी छपी है। और उन्होंने लिखा, यह मेरे लिए बड़ा प्रोत्साहन था। मैं सोचने लगा कि शायद मुझमें कहानीकार के बीज हैं और मैं अभ्यास करता जाऊं तो संभव है किसी दिन कहानी के क्षेत्र में अपने लिए कुछ स्थान बना सकूं। पर उनकी ये दुविधा हमेशा उनके मन में रही कि जिस प्रकार से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, निशा यामिनी आदि जो उनकी काव्य रचनाएं हैं उनका साहित्य जगत में स्वागत हुआ, और मधुशाला को तो हम आज तक गाते हैं, सुनते हैं और उन वो इतनी लोकप्रिय है, क्या उसी तरह से उनकी कहानियां भी पाठक के हृदय को छुएंगी? और वो कहते कि जैसे कवि और कहानीकार मेरे अंदर परस्पर संघर्ष कर रहे हों और मैं अभी तक निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि विजय का सहरा किसके माथे बांधूं। पर धीरे धीरे बच्चन को ये बात माननी पड़ी या उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, अब मैं कहानी और नहीं लिखूंगा क्योंकि कहानीकार का बीज मेरे अंदर उतनी अच्छी तरह से अंकुरित नहीं हो रहा। मैं शायद अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से अधिक अच्छे तरीके से पाठकों के सामने रख सकता हूँ। और उन्होंने जब ये निश्चय किया तो उन्होंने अपनी जो कहानियाँ प्रकाशित करनी थी, देखिए उस समय जो कहानीकार थे या जो लेखक थे वो प्रकाशन से पूर्व अपनी रचनाओं की भूमिका प्रतिष्ठित रचनाकारों से लिखवाते थे, और इस तरह से उनके मन में ये बात रहती थी कि शायद अगर एक प्रतिष्ठित रचनाकार उनकी भूमिका लिखेगा तो उनकी पुस्तक जो है वो साहित्य जगत में एक मुकाम को हासिल करेगी। तो प्रेमचंद ने भी अपने कहानी की जो पुस्तक थी उसकी भूमिका धीरेन्द्र वर्मा से लिखवानी थी, और उन्होंने उस भूमिका को फाड़ दिया इस निश्चय के साथ कि मैं कवि हूँ, कहानीकार नहीं हो सकता, अर्थात मुझे अपने कवि को पहचानना है, कविताएं ही लिखनी हैं। वस्तुतः यहाँ हम देखें तो कहानी ना लिखने का निर्णय लेने के बावजूद जो कहानी का रूप है वो बच्चन का मरा कभी नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाद में चलकर उनके आत्मकथा जो उन्होंने लिखी जो चार भागों में है, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दश द्वार से सोपान तक, ये जो उनकी चार आत्मकथाएं हैं इसमें उनका कहानी का रूप हमें दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चन का कहानी का रूप मरा नहीं था, केवल उसका रूप जो है वो बदल गया था, और जो उसकी भावाभिव्यक्ति है, जो अपने मन के जो भाव हैं उन्होंने कहानी के रूप में नहीं, उन्होंने आत्मकथा के रूप में, डायरीकार के रूप में, भूमिकार के रूप में, कवि के रूप में उन्होंने हमारे सामने वो लेकर आए। मरता कुछ भी नहीं है, केवल उसका रूप बदल जाता है, ये बात कहानीकार बच्चन के संदर्भ में अक्षरशः सत्य साबित होती है, क्योंकि उनका कहानी का रूप कभी भी मरा नहीं। कहानी लिखना उन्होंने ज़रूर खत्म कर दिया, किंतु उन वो रूप हमें बाद में उनकी अलग अलग रचनाओं में दिखाई देता है। बच्चन की इन 13 कहानियों में हमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं लगता कि इन कहानियों को पढ़कर पाठक के हृदय में कोई आमूलचूल परिवर्तन आएगा या पाठक इन कहानियों से इतना अधिक प्रभावित हो जाएगा कि वो अब तक जो कुछ भी सोच रहा था, जो कुछ भी उसके मनोपटल पे था वो सब समाप्त हो जाएगा और एक नई चीज़ उसके मस्तिष्क में आ जाएगी। किंतु फिर भी उस समय के समाज, उस समय के नवयुवकों, नवयुवतियों के मनोदृष्टियों को, दो पीढ़ियों के मध्य के अंतराल को, उनकी सोच को और समाज को, उस समय की नारियों में जो चेतना उभर कर आ रही थी अपने प्रति कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, जैसे संकोच त्याग,
उसकी नायिका जो है वो अगर संकोच ही करती रह जाती तो उसका विवाह अन्यत्र हो जाता, किंतु वो चाहती थी कि वो विवाह उसी व्यक्ति से करे जिससे वो प्रेम करती है, और इसीलिए वो आगे बढ़कर अपने पिता से अपने मन के भावों को व्यक्त करती है। इसी प्रकार से अंचल का बंदी कहानी में नायिका जो है वो जिस व्यक्ति से प्रेम करती है उसे साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अपने अंचल से बांध लेती है, चाहे उसके लिए उसे मनोहर के ऊपर अपने नौ लखा हार के चोरी करने का भी आरोप लगाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि उनकी कहानियों में हमें नारी जो है वो एक अलग धरातल पर दिखाई देती है। नारी की सोच, नारी में उपस्थित जो उभरते स्वर हैं उसकी चेतना में वो हमें इन कहानियों में दिखाई देते हैं। बच्चन के समकालीन कहानीकारों से अगर हम उनकी तुलना करें तो इन कहानियों में हमें कुछ तो अलग, कुछ तो अनकहा दिखाई देता है। अगर ऐसा ना होता तो क्या कारण है कि प्रेमचंद ने भी उसकी प्रशंसा की, या उस समय की जो प्रतिष्ठित जो पत्रिकाएं हैं उसमें उन्हें आदर मिला? तो कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे कि इन कहानियों में कुछ तो ऐसा है जो अपने आप को आगे बढ़कर स्थापित करने योग्य है, जो ये कहता है कि रुको, ठहरो, एक नज़र मुझ पे भी डालो और ठहर कर देखो कि मैं भी कुछ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। गहरे चिंतन से चाहे ये कहानियाँ शून्य हैं, चाहे ये केवल सहज हैं, सरल हैं और पुराने आदर्शों और मान्यताओं से टकराती हुई हैं, किंतु फिर भी उन टकराहटों के साथ वो हमें एक नया दृष्टिकोण भी देती हैं। वो हमें ये एक नए सामाजिक संदर्भों को प्रकाशित करने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि जो कुछ पुराना है, जो कुछ पुरातन है, जो कुछ मान्यताएं, आदर्श हमारे पुराने समय से चले आ रहे हैं वो सारे के सारे ठीक नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके उन्हें स्वीकार करते चले जाएं, उनमें भी ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। आपको ये पता होगा कि प्रेमचंद को बचपन में लक्ष्मीया चमारन के हाथ बेच दिया गया था और बच्चन जो हैं वो उसका दूध पी के बड़ा हुए, और इसलिए उनका निम्न वर्ग के साथ, अछूतों के साथ एक विशेष प्रेम आजीवन बना रहा। वो उनके साथ बैठकर खाना खाते थे, बातचीत करते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें की जिनसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने पुरानी परंपराओं को केवल एक लीक पीटने के लिए उनका स्वागत नहीं किया अपने जीवन में, वो उनसे टकराए और जिन बातों को उन्हें अच्छा लगा उसको उन्होंने अपनाया, और जिन बातों का उन्होंने विरोध करना था उसका उन्होंने अपनी कहानियों में या अपने जीवन में भी उनका विरोध किया। जैसे उन्होंने अपनी पहली पत्नी श्यामा के निधन पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड हैं उनको करने से मना कर दिया था। गहरे चिंतन से ये कहानियाँ शून्य हैं, किंतु फिर भी हमारे सामने कुछ ना कुछ अवश्य रखती हैं, और इस दृष्टि से ये कहानियाँ केवल बच्चन के लिए ही नहीं, कहानी विधाक में भी एक नया रूप हमारे सामने लेकर आती हैं। जैसा मैंने कहा कि लघु कथा जो है 1932 तक उसका कोई रूप हमारे सामने स्पष्ट रूप से उभर कर नहीं आया था, और इस दृष्टि से इनकी कहानी चुन्नी मुन्नी जो है वो लोकप्रिय भी हुई, और अपने आप में उसमें हमें लघु कहानी के जो तत्व हैं या लघु कहानी की जो बिंदु हैं वो हमें दिखाई दिए। अगले व्याख्यान में हम प्रेमचंद की डायरी के विषय में बातचीत करेंगे। प्रेमचंद की डायरी, प्रवास की डायरी जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, इसके बाद की कड़ी है, और वो नीड का निर्माण फिर और बसेरे से दूर, इन दोनों रचनाओं को आपस में जोड़ने की एक कड़ी के रूप में हमारे सामने आती है। बच्चन की जो पहली आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें उन्होंने अपनी जीवन की उन घटनाओं को चित्रित करने का प्रयास किया है जो स्मृति रूप में उनके साथ रहीं,
जिन्होंने उनके जीवन में कहीं ना कहीं अंदर तक उनके व्यक्तित्व को उभारने के लिए, रेखांकित करने के लिए अपना प्रभाव डाला, जिन्हें वो भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं सकते, जिसमें करकल और प्रकाशो, रानी, इन सब का चित्रण उन्होंने किया है। इसी खंड में उन्होंने श्यामा के साथ अपने विवाह, उनके साथ अपने वैवाहिक जीवन, श्यामा की रुग्णावस्था आदि का वर्णन किया है। श्यामा की मृत्यु के साथ इस खंड का समापन हो जाता है और उसके बाद नीड का निर्माण में उन्होंने तेजी बच्चन के साथ जब उनका विवाह हुआ उसका वर्णन किया है, फिर पुत्रों का जन्म और किस प्रकार से वो विदेश में शोध कार्य करने के लिए जाते हैं, इस यहाँ तक के अपने जीवन को उन्होंने चित्रित किया है। प्रवास की डायरी प्रेमचंद के बच्चन के उस समय का अंकन करती है जब वो कैम्ब्रिज में शोध कार्य के लिए जाते हैं। इस खंड में प्रवास की डायरी में उन्होंने उन बातों के ऊपर चर्चा की है जहाँ पर उन्होंने तेजी जी को याद किया, तेजी द्वारा दिए गए आरोपों को से वो दुखी हुए, अपने पुत्रों के लिए वो किस प्रकार से उनके अंदर एक भावना उमड़ कर आती थी, किस प्रकार से वो उन्हें चाहते थे कि उनसे मिलें, उनके बारे में जानें, पर दूरी के कारण या अपना शोध कार्य पूरा करने के कारण वो चाहकर भी दोबारा से भारत नहीं आ पा रहे थे, और किस प्रकार से तेजी जी ने अपने जीवन को कष्टपूर्ण ढंग से बिताया उनके बिना, किस प्रकार से छोटी छोटी जरूरतों के लिए उन्हें अपने हाथ को रोक कर काम करना पड़ा, इन चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है। अगर हम देखें तो प्रवास की डायरी, नीड का निर्माण फिर और बसेरे से दूर, नीड का निर्माण फिर एक सांकेतिक शीर्षक है जिसमें श्यामा के साथ अपने जीवन को समाप्त कर जो नीड उजड़ चुका था, जिसमें अब कोई उत्साह नहीं रह गया था, जो लेखक के लिए केवल एक दुख का कारण था, उस नीड को दोबारा से निर्मित किया तेजी सूरी ने, और इसलिए इस खंड का नाम बच्चन ने नीड का निर्माण फिर, जो उनके परिवार का, उनके जीवन का दोबारा से निर्माण किया गया, उसका संकेत देती है। अब हम आगे अपने अगले व्याख्यान में प्रवास की डायरी के विषय में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी। बिल्कुल, हम आगे भी चर्चा करेंगे, जैसा कि डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा ने स्वयं कहा है, क्योंकि रुचिरा जी अभी हमारे पास कुछ समय बाकी है। अगर हम बच्चन साहब की जो है कहानियों पर बात करें तो ऐसी कौन सी विशेष बात है जो पढ़ने वालों को आकर्षित करती है, कुछ एक ऐसी, क्योंकि हर साहित्यकार में, हर रचनाकार में एक ऐसी खास बात होती है उसके लेखन में कि जो कहीं ना कहीं आकर्षित करती है, तो बच्चन साहब की लिखनी में क्या? देखिए, बच्चन ने अपने आप को समाज के विभिन्न क्षेत्रों से उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए विषय उपस्थित किए। छोटी छोटी बातें उन्होंने ली, जैसे जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई कहानी है ठाकुर जी, धर्म परीक्षा, जो हम अपने आसपास देखते हैं कि किस प्रकार से हम आजीवन अपने आप को धर्म में समेटे हुए हैं, उसी तरह से माता और मातृभूमि, कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है केवल अपनी माता के प्रति ही उसके मन में एक आदर की भावना नहीं होनी चाहिए, अपनी मातृभूमि के प्रति भी उसके मन में आदर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने समाज के केवल पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोगों के लिए ही अपनी रचना को नहीं लिखा, उन्होंने सामान्य पाठक के लिए भी अपनी रचना को लिखा, और इसलिए उन्होंने उन्हीं के अनुरूप अपने विषयों को भी उभारा। ना केवल उन्होंने विषय चयन की दृष्टि से, उन्होंने लेखन में भाषा की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो उन्होंने शब्दों को उर्दू, अंग्रेज़ी, फारसी, जहाँ से भी उन्होंने उन्हें शब्द मिले जो उनके भावों को व्यक्त करने के लिए उन्हें अच्छे लगे, उन्होंने उनका चयन किया है। तो पढ़ने में ये कहानियाँ बहुत सहज हैं, सरल हैं, और इसलिए पाठकों को आकर्षित करती हैं। दूसरा कारण ये है कि बच्चन को हम कवि के रूप में अधिक देखते हैं, हम कविकार के रूप में उनको जानते हैं, तो एक पाठक के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अच्छा, ये कवि एक कहानी भी लिखता था, तो उनकी कौन सी कैसी कहानियाँ लिखता था,
तो वो उन कहानियों को पढ़ने के लिए उत्साहित होता है और जानना चाहता है कि क्या कारण था कि बाद में बच्चन ने कहानियां लिखनी बंद कर दी और केवल अपने आप को कविता में ही सीमित कर लिया या बाद में उन्होंने आत्मकथा लिखी। जी, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि कहीं ना कहीं उनकी कहानियों में एक कहते हैं ना सामाजिक दृष्टिकोण, उस युग में रहने वाले जो स्त्री और पुरुष थे उनकी कहानियों को उन्होंने समेटने की कोशिश की है अपनी कहानियों के माध्यम से। तो क्या कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बच्चन साहब जैसे साहित्यकार जो हुए हैं उन्होंने आज के युग के लिए नहीं, उन्होंने आने वाले कई युगों के लिए कहानियाँ लिखी हैं, क्योंकि कहते हैं कहीं ना कहीं मानव जो भावनाएँ हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए कि जो नारी आज हम देखते हैं तो जो हमारी नारी है वो निसंकोच रूप में अपने भावों को व्यक्त कर रही है, पर जिस समय बच्चन कहानियां लिख रहे थे उस समय हमें कोई एक आधा ही व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो अपनी बात को, वो भी नारी, जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें नारी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से आगे आकर बोले, यही बात अपने आप में एक बहुत बड़ी थी। तो प्रेम बच्चन कभी भी नारी को, उन्होंने नारी उनके देखिए जीवन की एक दुर्बलता भी थी और नारी उनके जीवन की एक शक्ति भी थी। आप अगर बच्चन की आत्मकथा को पढ़ेंगी तो उसमें आपको मिलेगा कि उनके जीवन में बहुत सारी नारियां आईं, पर वो सारी नारियां केवल उनके चरित्र को की दुर्बलता ही नहीं थी, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरक शक्ति भी थी। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी कहानियों में भी बताई है, कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं को सर्वोपरि माना है और ये इस बात की कह सकते हैं इस बात को आगे बढ़ावा देने के लिए कि किस तरीके से महिला उत्थान हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया अपनी लिखनी के द्वारा, क्या ये कहा जा सकता है? कह सकते हैं, पर मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, पर हाँ उन्होंने ये माना कि पुरुष और नारी जो हैं कम से कम समकक्ष हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही, पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुष ने जो कह दिया, पुरुष ने जो सोच लिया वही सत्य है, नारी की भी उन्होंने महत्व अपनी कहानियों में दिया है। जी, वैसे तो यहाँ पर इस बात पर बात करना एकदम निसंदेह गलत होगा कि अगर हम कहें, क्योंकि कविताओं का चलन और कविताओं को लिखने का तरीका अलग होता है और साहित्य को, कहानियों को लिखने का तरीका अलग होता है, पर क्या अगर हम बात करें जब एक साहित्यकार बच्चन साहब जैसे साहित्यकार जब दोनों विधाओं में निपुण थे तो क्या कहीं ना कहीं कोई समानता दिखाई देती थी? हाँ, जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी ये कहा कि चाहे उन्होंने 13 कहानियाँ लिखकर अपने कहानिकार रूप का समापन कर दिया, पर फिर भी उनका कहानिकार रूप वहाँ पर मरा नहीं था, उसका रूप परिवर्तित हो गया था। और ये चीज़ हमें, क्योंकि देखिए जब आप उनकी आत्मकथाएं पढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कोट किया है कि प्रणय पत्रिका लिखते समय या निशा निमंत्रण लिखते समय या मधुशाला लिखते समय किस प्रकार से उनके जीवन की घटनाओं ने उनको उद्वेलित किया और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने उन रचनाओं की रचना की। उसी तरह से कहानी लिखते समय भी विभिन्न घटनाओं ने उनको इतना अधिक मरोड़ा, इतना अधिक उनको उद्वेलित किया, विवश किया कि वो कहानी लिखने लगे। तो विषय की दृष्टि से अगर हम देखें या शैली की दृष्टि से हम देखें तो उनमें हमें समानता दिखाई देगी। उनकी कविताओं में भी हमें उनकी जो सरलता है, सहजता है या जो शब्दों का चयन है वो हमें उतना ही सरल और स्वाभाविक या प्रवाहपूर्ण लगता है जितना उनकी कहानियों में हमें दिखाई देता है। समय हमारे पास यहाँ पर कम है, बस एक ही शब्द में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बच्चन साहब को, उनके व्यक्तित्व को उनकी लेखनी के द्वारा जानने की कोशिश करें तो क्या हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही एक संवेदनशील कवि थे, एक संवेदनशील साहित्यकार थे? निश्चित रूप से बच्चन जो हैं एक संवेदनशील व्यक्ति थे और ये बात उनकी रचनाओं के माध्यम से हमें दिखाई देती है। जी, डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बच्चन साहब की इन तमाम कहानियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने खुद कहा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चन साहब एक महान कवि थे और उनकी कविताओं को हम आज ही पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, पर इनकी कहानियाँ अपने आप में साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो भी हमारे इन लेक्चर्स को देख रहे हैं बच्चन साहब की इन कहानियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए एक यहाँ पर छोटा सा रास्ता दिखाने की कोशिश की है जिससे कि आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें साहित्य को। तो मैं एक बार फिर से डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा का धन्यवाद देना चाहूँगी और मित्रों यही चाहूँगी कि अगर आप इस लेक्चर को दोबारा देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, जल्द ही हम इस लेक्चर को आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप अन्य कहानियाँ जो हमने
आपने पिछले लेक्चर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं उनको भी आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं info.cec@nic.in। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और जल्द एक अहम विषय पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।